तेरे बिन ड्रामे में आगे आप देखेंगे कि या ने मीरब को मुर्तसिम की नज़रों में तो गिरा दिया है, लेकिन मीरब जिसने मरियम की खातिर अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, मरियम भी इतनी आसानी से मीरब को मुर्तसिम की ज़िंदगी से दूर जाने नहीं देगी, क्योंकि मरियम से भी अपने भाई की हालत देखी नहीं जाती कि वो किस तरह मीरब के बग़ैर मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे चल कर मरियम कुछ ऐसा करेगी जिससे मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हया की सारी प्लानिंग नाकाम हो जाएगी, माँ बेगम के सामने भी मरियम सारी सच्चाई ले आएगी कि या अनस के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मुर्तसिम को हासिल करने की ख्वाहिश ने उसे सब की जिंदगी बर्बाद करने पर मजबूर कर दिया। माँ बेगम भी या पर गुस्सा होगी और उसे वापस गांव भेज देगी और मीरब को वापस उस हवेली में बहू की सूरत में कबूल कर लेगी। मीरब ने भी मुर्तसिम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है उसे अपने हाथों से फाड़ देगी कि मुर्तसिम तुमने अपने किरदार और मर्तबे से ये साबित कर दिया, कोई चाहे आपसे कितनी नफरत क्यों ना करता हो, लेकिन मोहब्बत और इज्जत से हर किसी की नफरत को मोहब्बत में बदला जा सकता है। यूं मीरब और मुर्तसिम भी अपनी ज़िंदगी में एक साथ खुश हो जाते हैं। कुछ अरसे के बाद मीरब के यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है जो बिल्कुल मीरब की तरह होती है। माँ बेगम भी मुर्तसिम को खुश देख कर बहुत खुश होती है कि मीरब ने मुर्तसिम की सारी परेशानियों को खत्म कर दिया।